गाइस आपने बेसन की कड़ी खाई होगी, आपने सिंधी कड़ी खाई होगी, क्या आपने कभी आम की कड़ी खाई है? मैं टेंस जो ये ट्राई करने के लिए मुझे मनाना पड़ रहा है अपने दिमाग को, ठीक है? ये शाही पनीर या बटर चिकन है? आपने सूजी का हलवा खाया होगा, मूंग दाल का हलवा खाया होगा, बट क्या आपने कभी मिर्ची का हलवा खाया? ये ग्रीन कलर है, ये खाना लेना है क्या? आज ऐसे ही कुछ यूनिक डिशेस हम करने वाले हैं ट्राई। आर यू रेडी? आर यू रेडी? डिश नंबर 1 पे चलते हैं। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं हमारी पहली लोकेशन पे, जो कि है वियतनाम। और यहाँ हम बहुत ही यूनिक डिश खाने वाले हैं, एक ऐसी यूनिक करी जिसका नाम है मैंगो करी। आपको लग रहा होगा ये बटर चिकन है, बट नहीं, मैंगो करी आ चुकी है विद स्टिकी जैस्मिन राइस। ये मैं पहली बार खाऊंगी ब्लू कलर के। जैस्मिन राइस तो मैंने बहुत बार खाया, मगर ये ना सिर्फ कलर ब्लू है, ऐसे कोई स्पेसिफिकली टेस्ट वेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई डोंट नो, मुझे कंपेयर करना चाहिए उस चीज से नहीं। मैंगो पल्प है, उसको बेसिकली इन्होंने बॉइल किया हुआ है विद वेजिटेबल्स एंड विद अ लॉट ऑफ स्पाइसेस, वो है। बेसिकली ये जो करी है ना, इसका बेस है आम रस। जैसे हमारे घर में दही और बेसन की करी बनती है। मैं टेंस जो ये ट्राई करने के लिए मुझे मनाना पड़ रहा है अपने दिमाग को, ठीक है? कि ये शाही पनीर या बटर चिकन है, और एल्स फाइनल टाइम आ गया है हमारा यूनिक डिश ट्राई करने का। सो नाइस। ओह, मुझे नहीं पता था मैंगो इतना अच्छा लग सकता करी के अंदर। वन सेकंड, जिस हिसाब से बेस के साथ कुक किया गया ना मैंगो के, उतना इसका फ्लेवर ना डोमिनेट नहीं कर रहा है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। इसमें सारी चीजों का फुल फ्लेवर आ रहा है। अगर आपने थाई करीज खाई है, ग्रीन रेड काफी क्लोज है उससे, बट इसमें फ्लेवर है मैंगो का, बिकॉज दिस वाज मैंगो करी। पंजाब में ऐसा होता है गर्मियों के टाइम में मैंगो लेते हैं और रोटी लेते हैं और वो खाते हैं, और वो बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। बट मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि पूरी सब्जियों के साथ मैंगो को एकदम ऐसा करी बना देगी उसकी। दिस इज समथिंग आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गिव अ ट्राई। एंड दिस इज नॉट पनीर, दिस इज टोफू। नॉर्मली करीज में ऐसी थाई करीज हो गई या मैंगो करी होगी, इन सब चीजों में पनीर नहीं यूज होता है, क्योंकि टोफू ज्यादा बेटर लगता है इन सब चीजों में। हमें तो पनीर ही समझ आ गया है, हम तो ऐसा ही है। क्या तू इसे अपने मेन्यू में दोबारा इंक्लूड करेगा? 100%, और दूसरों के भी जो दूसरी टेबल पे खा रहे हैं लोग, उनको भी बोलूंगा ये खाओ जाके। एंड फॉर मी आल्सो डेफिनेटली मेरे ऑर्डर में होगा ये। फिलहाल अभी हम इसको खत्म करते हैं, आपको मिलते हैं हम अपनी अगली जगह पे। अरे रुक जा, इनको साके मॉम तो पहले इंट्रोड्यूस कराओ। So guys, ये है साके बॉम्ब, एंड इसके ऊपर डली हुई है राइस वाइन, एंड नीचे पड़ी है बियर। पहले हम खाली एक साके ट्राई करेंगे, नॉर्मल विदाउट बियर। चीयर्स। दिस इज वेरी नाइस साके, ये यहाँ पर नहीं मिलती ऐसे लोकली, वो कह रहे हैं थोड़ा इम्पोर्ट कराना पड़ता आपको। मैंने बोतल ही रख ली उनसे लेके। आर यू गाइस रेडी? 1 2 3 एंड ओह दिस इज नाइस, कितना बढ़िया था ये। रिफ्रेशिंग। बाय द वे मैं बियर नहीं पीती हूँ, अगर आप लोग को पता है। झूठ बोल रही है। बट आफ्टर मिक्सिंग साके एंड बियर, दिस इज समथिंग एल्स। This is definitely in my order again. बिल्कुल, सौंफ का सिस्टम बंद करो, साके लाके दिया करो। I think it's time to move on to the next place now. इससे पहले इनके और गेस्ट शूट किया जाए, अगले रेस्टोरेंट में चलते हैं। Guys, आपने चीज केक तो बहुत खाए होंगे, I'm sure. Yes. But क्या आपने मोतीचूर वाला चीज केक खाया है? नहीं ना, आओ खिलाते हैं। आ जाओ। So guys, हम अपनी अगली जगह पे आए हैं, इसका नाम है कैफे दिल्ली हाइट्स। दिल्ली में बहुत फेमस है और यहाँ की यूनिक डिश है, बताओ। मोतीचूर चीज केक, मतलब मोतीचूर के लड्डू मेरा फेवरेट है और चीज केक भी मेरा फेवरेट है। आई थिंक दिल्ली हाइट वालों ने मेरी बात सुन ली होगी और तो सबको मिक्स कर दिया, फ्यूजन बना दिया मोतीचूर चीज केक। बट दिस इज समथिंग आई एम actually hearing and eating for the very first time. मोतीचूर लड्डू के साथ पता है क्यों मेरी मेमोरीज है? क्योंकि मैं ना डीएवी में थी, और डीएवी में ना हर सैटरडे होता था हवन, और उसमें मिलता था प्रसाद। उस टाइम पे जो मजा आता था मोतीचूर का लड्डू प्रसाद में खाने में, और ये आई थिंक ये स्कूल से यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं। Cheers. इसमें 5 लेयर्स हैं, जिसमें कि 2 मोतीचूर के लड्डू की लेयर्स हैं, बाकी चीज केक, और सबसे नीचे है ग्राम क्रैकर की लेयर, जो कि चीज केक में होती होती है। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को जेन्युइन लग रहा था ये ओके ओके होगा, बट
क्या टेस्टी है। मैं ना बहुत चूजी हूँ चीज केक के मामले में एंड आई डिड नॉट नो कि ये इतना सही टेस्ट करेगा। जिंदगी तो हम जी रहे हैं गट्टू। I love the fact कि इन लोगों ने actually cheesecake से हटके कुछ ऐसे uniqueness डाल दी है। लड्डू है but cheesecake भी है, लड्डू भी है। सभ्यता और modern जमाने को साथ लेके चलेंगे। ये अब definitely Cafe Delhi Heights के next order में मेरे होगा। घर ले चलें। घर लेके जाना पड़ेगा। बुलाना तो है नहीं पैक करने पैक करके। नहीं हमने सॉन्ग पैक आओ मिलते हैं अगली जगह पे। यार कुलचे छोले तो हमने बहुत खाया है बट क्या आपको पता है बटर चिकन कुलचा भी आता है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या खाऊंगी, वेजिटेरियन हूँ, मेरे लिए भी है। आओ चलते हैं अंदर दिखाते हैं। सो गाइस अब हम वेट कर रहे हैं हमारे बटर चिकन कुलचा का। मैं बताती हूँ मैंने क्या ऑर्डर किया। मलाई कुलचा। मलाई कुल गिरीशा का भी बहुत बड़ा कट है। गिरीशा ने जाके मलाई कुलचा का ऑर्डर दिया। गिरीशा को लगा था मलाई मतलब पनीर होगा शायद। मुझे लगा था मलाई मतलब घर वाली जो मलाई होती है ना, जो दूध से निकलती है ताजी ताजी, वो पराठे पे लगा के खाइए कभी। ओए रोटी पे बहुत। बट दिस इज मलाई कुलचा बट ये चीज है गाइस, चीज। देखो हमारा तो आया बटर चिकन कुलचा तो हम इस पे फोकस करेंगे। इसे कहते हैं स्टफिंग। एक सेकंड, नॉट एग्जैक्टली चीज, हंकर टाइप नहीं होता जैसे। देखो नहीं पता मुझे, पता मैं बताता हूँ। And ये कुलचा 100% अपने मेन्यू में रखना। It's very tasty. To be very honest, I am someone जिसको आलू प्याज वाले कुलचे ज़्यादा पसंद है। मैं शायद ये नहीं ऑर्डर करूंगी अगली बार आके, बिकॉज इट्स ओके। मतलब ऐसा नहीं है कि oh, wow, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। बट हाँ एक बार जब आप खाते हो ऐसा फील आता है। आपको शायद ये पसंद आएगा, ट्राई जरूर कर सकते हो आप। मेरे लिए अगली बार शायद नहीं होगा ये ऑर्डर पे, बट ट्यूजडे थर्सडे या सैटरडे आऊंगा तो ये ऑर्डर करूंगा। नहीं मैं आलू प्याज का कुलचा ही करूंगी ऑर्डर। लेट मी नो अबाउट बटर चिकन वाला कुलचा। सबसे पहली बात बताओ स्टफिंग। स्टफिंग जैसे हम घर में भी कोई परांठा खाते हैं ना तो उसमें हमारे घर में बोलते हैं स्टफिंग उतनी होनी चाहिए कि जैसे परांठे में चम्मच डालो ना तो उसके अंदर। आई कैन सी दैट, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। वैसे बटर चिकन के साथ जो एक्सपेरिमेंट करने कर लो, बटर चिकन पिज्जा, बटर चिकन बर्गर, बटर चिकन कुलचा, आइसक्रीम वगैरह पे मत डाल देना। कसम से कह रहा हूँ, ढूंढ के मारूंगा आपको। सो द वर्डिक्ट इज कि बटर चिकन कुलचा हिट। मेरे जैसे बंदे को आलू प्याज का कुलचा पसंद है तो शायद ये मेरे लिए उतना बनानी है, बट मैंने एक्सपीरियंस किया, आप भी कर सकते हो। एनीवे आपको अब हम अगली लोकेशन पे मिलते हैं सब खत्म करके। गट्टू तूने आज तक कौन कौन सी चाट खाई है? चाट मैंने पापड़ी चाट, फ्रूट चाट, आलू चाट, भल्ला चाट। हाँ यूजली लोग यही खाते हैं, लेकिन आज हम खाने वाले हैं टमाटर की चाट, वो भी कारीगरी में। टमाटर की चाट कौन खाता है यार, चाट थोड़ी सी अनहेल्दी होनी चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए। और आज हम यही कर रहे हैं, तो आओ चलते हैं टमाटर की चाट खाएंगे। तू हुआ मैं बातें कर रहा हूं। ये ग्रीन कलर है, ये खाना लेना है क्या? स्टार्ट करने से पहले ये उनको बुलाते जिन्होंने ये स्टार्ट किया है ना, वो तो वो नहीं आ पाएंगे ना, वो चल चले गए। क्या आपको पता है ये रेस्टोरेंट किसका है? ये भुवने सरदार जी का, हरपाल जी का, जिनकी वीडियो वायरल हुई थी, नमक शमक नमक शमक डाल देते हैं। Are you excited to try this? मैं अगले दिन के लिए excited हूँ, मेरे को लग रहा है आज तो खा लूंगा मैं ये, कल क्या होगा। ये खाएंगे पहले, चल आजा। Guys, टमाटर चाट बनारस में actually बहुत famous है और वहाँ पे बहुत बढ़िया वाली टमाटर चाट मिलती है, हमने खाई नहीं अभी तक। Having it here for the very first time. वो तो बहुत टेस्टी है भाई, चाट हो तो ऐसी हो, मजा आग से हटके। और ये पत्ते में जो दे रखे हैं ना इसमें, सच में वो टेस्ट में भी फर्क आ रहा है। बनारस में ऐसी मिलती है। और ये कौन सी जगह पे मिलती है? हमने नमकीन खा लिया, नाउ इट्स टाइम फॉर सम मीठा। मिर्ची तो इसमें भी है भाई, अभी एक्साइटेड। नहीं नहीं पहले तू ट्राई कर, मैं एक बार तेरे को देखना चाहता हूँ, ट्राई करते हैं और तू कर भी लेगी पहले, ठीक है? एंड ये बढ़िया एकदम देसी घी में पूरा रूड़ा हुआ जैसा कहते हैं। आप भी डिजर्व करते हो लाइफ में। आंखों में मिर्ची का हलवा लगा दूंगा तेरे में, ठीक है? मैं यहाँ पर आ गया, ऐसे करके भी तेरे लगा दूंगी, पहले इतना सा खाऊंगी, ठीक है? फिर उसके बाद बहुत है ये, दे दूं, यू कैन बी ऑनेस्ट, हलवा बहुत टेस्टी है गट्टू। पहले समझ नहीं आया मुझे पहली बाइट में, सलाद मिल जाता ना इसके साथ। इसमें मिर्ची इन्होंने एकदम
नलिफाई कर दिया, खोया काजू बादाम सब ऊपर से ड्राई फ्रूट्स और डाले हुए लाइक हलवा जार, ठीक है। वन टाइम ट्राइज तो बनता ही बनता है, ये यहाँ पर आओ तो 100% ट्राई करना। मेरे मेन्यू में तो ये होगा बट आफ्टर माई डिनर और आफ्टर माई लंच, या मैंने कभी बार बहुत ज्यादा कॉकटेल्स पी ली हो तो गड्डू को पता भी नहीं चलेगा कि हरी मिर्च कुछ भी मिला दो। बट वी आर डेफिनेटली गोइंग टू ऑर्डर दिस अगेन। फुल मार्क्स एंड एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर सर्विंग इन मिर्ची ओनली। व्हाट एन एक्सपीरियंस वी हैड टुडे। आई होप आप लोगों को ये सब देख के इतनी यूनिक डिशेस मजा तो आया ही होगा, है ना। कमेंट्स में लिख देना अगर आपको लगता है कि हम और ऐसी डिशेस ट्राई कर सकते हैं यूनिक। हाँ यार कमेंट्स में लिखो कि कौन सी यूनिक डिशेस हमें ट्राई करनी चाहिए, क्या आपके घर के पास कोई है या कहीं और है, कमेंट्स में लिख के बताना हम बनाएंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओए रुक गई चीख रही थी। डियर वन गाइड कभी चीख रुकी आपकी।